नमस्कार दोस्तों, क्या जॉन अब्राहम की मूवी रोमियो अकबर वॉल्टर अक्षय कुमार और सलमान खान को सीधे टक्कर दे पाएगी? क्या ये फिल्म अब तक की सबसे बेस्ट स्पाई थ्रिलर फिल्म बन पाएगी? जी हाँ दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल बॉलीवुड स्टूडियोज की इस नई पेशकश में। दोस्तों, आज दोपहर को रोमियो अकबर वॉल्टर का ट्रेलर रिलीज किया गया है। हालांकि टीजर जितना शानदार था, ट्रेलर में उतना दम नहीं, लेकिन ट्रेलर भी अपने आप में एक धमाकेदार है। इसमें जॉन अब्राहम एक रॉक एजेंट की भूमिका निभा रहे हैं, जिसमें वो 18 से 20 लोगों में नजर आएंगे इस मूवी में। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं बात करता हूँ इस ट्रेलर को देखकर पब्लिक के क्या रिएक्शन है। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये झक्कास है, कुछ का कहना है शानदार है, कुछ कह रहे हैं धमाकेदार, कुछ कह रहे हैं बवाल है, और कुछ ने तो यहां तक कह दिया है कि यह फिल्म जबरदस्त सुपर डुपर हिट हो जाएगी। हिट हो गई अभी से पब्लिक के हिसाब से। तो दोस्तों, चलिए बात करते हैं इस मूवी के बारे में। इसमें मेन लीड में है जॉन अब्राहम। जॉन अब्राहम की पिछली कुछ मूवी जो देशभक्ति के ऊपर थी, जैसे कि परमाणु और सत्यमेव जयते, हालांकि वो छोटे बजट की फिल्म थी, लेकिन उन फिल्मों ने बॉक्स ऑफिस पर शानदार प्रदर्शन किया। जैसा कि आप सभी जानते ही हैं, रियल स्टोरीज चुन रहे हैं जो पब्लिक के बीच की हैं, जो सच्ची घटनाएं हैं, और जब वो ऐसी फिल्में करते हैं तो लोगों से कनेक्ट हो पाते हैं, जैसा कि आपने देखा होगा सत्यमेव जयते और परमाणु में। तो वैसी सेम कहानी लेकर आ रहे हैं रोमियो अकबर वॉल्टर। हालांकि कुछ कमेंट्स में मैंने देखा, अब तक इस ट्रेलर को लगभग 5 लाख के आसपास देखा जा चुका है, तो वहाँ लोगों के अच्छे रिव्यूज़ भी आ रहे हैं, अच्छे कमेंट भी आ रहे हैं फिल्म को लेकर, ट्रेलर को देखकर। तो कुछ लोगों का कहना है कि ये कहानी रविंद्र कौशिक की कहानी है, जो पाकिस्तान में जाकर वहाँ की आर्मी में शामिल हो जाते हैं। हालांकि वो रॉक एजेंट होते हैं, लेकिन मैं आपको बता दूँ कि वो कहानी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर रोमियो अकबर वॉल्टर जो जॉन अब्राहम बने हैं, वो एक मुस्लिम किरदार में है। फिल्म के हिसाब से वो एक अलग कहानी थी रविंद्र कौशिक जी की, और ये एक अलग कहानी है। ट्रेलर में जिस तरीके से जॉन अब्राहम को दिखाया गया है बार बार अलग लुक में और देशभक्ति का जज्बा जगाते हुए, तो दोस्तों ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा। जैसे कि हालांकि अभी कुछ टाइम पहले कुछ फिल्में आई थी रॉ एजेंट को लेकर, जैसे कि सलमान खान की एक था टाइगर, टाइगर जिंदा है, और शायद अक्षय कुमार की भी, सैफ अली खान की भी मूवी आई थी। हालांकि वो फिल्में काफ़ी अच्छी चली, लेकिन एजेंट विनोद सैफ अली खान की नहीं चल पाई, और जैसे कि जॉन अब्राहम की पिछली दो फिल्में काफ़ी अच्छी चलीं, और अब ये फिल्म जिसका नाम है रोमियो अकबर वॉल्टर। तो मैं आपको बता दूं कि इस फिल्म में जॉन अब्राहम के अलावा मौनी रॉय, जो कि अहम भूमिका में है, जैकी श्रॉफ, सिकंदर खैर जो कि अनुपम खैर के बेटे हैं, और कृष्णा सचित्र मूर्ति भी हैं। तो दोस्तों, जैसा कि ट्रेलर और टीजर में आपने देखा होगा, कैसे जॉन अब्राहम ने गजब का एक्सपेरिमेंट किया अपनी बॉडी के साथ, और ये अच्छी बात है कि हमारे एक्टर्स अब एक्सपेरिमेंट्स करने लगे हैं, और सबसे बड़ी बात है कि वो एक्सपेरिमेंट्स दर्शकों को पसंद भी आ रहे हैं। हालांकि कुछ दर्शकों को पसंद नहीं आते, जैसे कि शाहरुख खान ने जीरो में किया था, हालांकि गजब का एक्सपेरिमेंट था, लेकिन कुछ लोगों को पसंद नहीं आया, लेकिन कुछ लोगों को पसंद भी आया। तो सेम चीज़ अब वहीं रोमियो अकबर वॉल्टर में देखने को मिलेगी। तो मैं आपको बता दूं कि पाकिस्तान का सेट जो बनाया गया था वो गुजरात में बनाया गया था, क्योंकि आसपास कहीं ऐसी जगह नहीं मिल पा रही थी, और फिल्म की जो सिनेमेटोग्राफी है काफ़ी अच्छे तरीके से दिखाई गई है, और इसे डायरेक्ट किया है रॉबी ग्रेवाल ने, और ये फिल्म 5 अप्रैल 2019 को सिनेमाघरों में दस्तक दे रही है। और सबसे बड़ी बात है कि ये देखना दिलचस्प होगा कि हमारे रॉके एजेंट यानी कि जॉन अब्राहम रोमियो अकबर वॉल्टर किस तरह से अपने देश की सेवा करते हैं, और किस तरह से वो दर्शकों में देशभक्ति के लिए उत्साह जगाते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं अच्छी फिल्में अच्छे समाज का आईना होती हैं। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि ये फिल्म एक था टाइगर, और जैसे कि सैफ अली खान के एजेंट विनोद, और अक्षय कुमार की बेबी, लेकिन उसमें हालांकि आर्मी का रोल था, और काफ़ी ऐसी फिल्में हैं जो रॉ एजेंट्स के ऊपर बनाई गई हैं, जो खुफिया चीज़ों को लेकर, जैसे कि ऑफकोर्स जॉन अब्राहम की एक और फिल्म थी फोर्स, लेकिन उसमें वो मुंबई पुलिस के अधिकारी होते हैं। तो दोस्तों, ये देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि जॉन अब्राहम इस बार बॉक्स ऑफिस पर क्या धमाका करते हैं। हालांकि ये बात सही है कि ये फिल्म 300-400 करोड़ तक ही कमा पाएगी, क्योंकि जो एक था टाइगर और टाइगर जिंदा है, सलमान खान का अलग ही स्टारडम है, लेकिन सबसे बड़ी बात होती है क्या फिल्म लोगों के दिलों पर राज करती है,
बॉक्स ऑफिस पर तो किंग बन जाता है, लेकिन लोगों के दिलों का किंग बन पाना बड़ी टेढ़ी खीर होती है। तो दिलों पर राज करने के लिए 5 अप्रैल तक का इंतजार करते हैं, और आपकी क्या राय है आप हमें कमेंट करके जरूर बताएं। और नई नई जानकारियों के लिए आप देखते रहिए हमारा चैनल पॉलीग्राफ स्टूडियोज़।